हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमय कहानियाँ लेकर आती हूँ, और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की हमारी कहानी एक सर्च एंड रेस्क्यू स्टोरी है, जिसके लिए मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था, तो मैं आज आपके लिए ये कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मेरा नाम हेनरी वॉवल है। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई केसेस हुए हैं जो बहुत ही अजीब हैं और जिन्हें समझ पाना मुश्किल होता है, जिनकी ना शुरुआत समझ में आती है और ना ही अंत। और उन्हीं केसेस में से कुछ केस मैं आज आप सभी के सामने साझा करने वाला हूँ। The case of the skulls। ये आज से कई साल पहले की बात है। हमें एक महिला के गुम हो जाने की खबर मिली। जहाँ वो गुम हुई थी, हमने वहाँ काफ़ी देर तक खोजबीन की, पर हमें कुछ भी नहीं मिला। हमने उनके साथियों से पूछताछ की कि उन्होंने आखिरी बार उन्हें कहाँ देखा था, तो उन्होंने हमें शुरू से सारी बातें बताईं। उन्होंने कहा कि वो चार दोस्त थे और वो चारों ही हाइकिंग करने के इरादे से पहाड़ी पर चढ़े थे, जंगलों के बीच। उनमें से उनके एक दोस्त, जिनका नाम रुबोल्फिया था, उन्हें सांस की कुछ तकलीफ थी और इस वजह से वो रुक रुक कर चल रही थी। जब वो सभी पहाड़ी से नीचे उतरने लगे, तब उन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर रुक कर वहाँ से नीचे आएंगी, और इसलिए उनके बाकी दोस्तों ने वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। पर काफ़ी देर बाद भी वो वापस नहीं आई, तो उन सभी को चिंता हुई। उन्होंने वापस जाके उसे ढूंढने की कोशिश की, तो वो नहीं मिली। हमने कई दिनों तक पहाड़ी के उस इलाके में उसे ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कोई अता पता नहीं मिला। पर हाँ, एक दफ़ा उसी इलाके में घूमते हुए हमारे कुछ ऑफिसर्स की नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी। वहाँ उन्हें एक जगह की ज़मीन कुछ दबती हुई सी महसूस हुई, मानो वहाँ की मिट्टी गीली हो या फिर अंदर से खोखली हो। हमने वहाँ खुदाई करनी शुरू की, और जो वहाँ हमें मिला वो बहुत ही चौंकाने वाला था। वहाँ पर ना जाने कितने नर कंकाल पड़े हुए थे, और अधिकतर उसमें सिर की खोपड़ियाँ थीं। वो सब कुछ देखने में बहुत बहुत ही डरावना लग रहा था, और इतनी संख्या में कपालों का यहाँ पाया जाना बहुत अजीब था हम सभी के लिए। बहुत दिनों तक हम उस एरिया में रिसर्च करते रहे, पर रुबोल्फिया का कहीं पता नहीं चला। अंत में इस केस को बंद कर दिया गया। पर मेरे अंदाजे से जो कुछ वहाँ हुआ था, वो कुछ इस तरह हो सकता है कि वहाँ किसी तरह की आदमखोर प्रजाति निवास करती हो, किसी तरह के आदिवासी जो इंसानों को भी अपना शिकार बना लेते हों, या किसी तरह के अनुष्ठान में इंसानों का इस्तेमाल करते हों। हो सकता है कि रुबोल्फिया ऐसे ही किसी जनजाति के कब्जे में आ गई हूँ। ऐसी जनजातियाँ एक जगह रुकती नहीं हैं, वो यहाँ से वहाँ घूमती रहती हैं। हमने कितनी कोशिश की, पर आज तक रुबोल्फिया का कुछ पता नहीं चला। वो अचानक कहाँ गायब हो गई। उनके परिवार के लिए और उनके दोस्तों के लिए ये बहुत ही दुखद घटना थी। स्टोरी ऑफ इनविजिबल मैन। ये केस मेरी ज़िंदगी के कई रोचक केसों में से एक है। बहुत ही अजीब और बहुत ही अनोखा अपने आप में। ऐसी चीज़ें कम ही होती हैं, ना ही मैंने ऐसे केसेस कभी देखे थे, तो इसके बारे में बताना तो बहुत ज़रूरी होता है। ये बात आज से कई साल पहले की है। सर्दियों का मौसम था। जंगल के इलाके में पर्यटक
अक्सर घूमने के लिए आया करते थे। पर उस साल कुछ ऐसी घटना हुई जो हम सभी के लिए अजीब थी। एक महाशय जिनका नाम विलियम हैरिस था, वो हम सबके पास आए और उन्होंने हमसे कहा कि वो जंगल में कैंपिंग के लिए गए थे और उस दौरान उन्होंने उनके दोस्त को कहीं खो दिया और वो उन्हें नहीं मिल रहा है। हमने उनसे सारी बातों की जानकारी पूछनी चाहिए। उन्होंने हमें बताया कि उनके दोस्त जिनका नाम नेथन था, वो उनके साथ इस जंगल में घूमने के लिए आए थे। वो दोनों ही यहाँ के रहने वाले नहीं थे, वो यहाँ सिर्फ छुट्टियाँ मनाने आए थे। और जब वो यहाँ घूमने के लिए आए तब उन्होंने यहाँ कैंपिंग का फैसला लिया। उस दौरान वो दोनों साथ ही थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो दोनों पहाड़ पे चढ़ते गए और आसपास के नज़ारे देखते गए। फिर उन्हें भूख महसूस हुई और इसलिए वो नीचे उतरने लगे, जबकि उनके दोस्त नेथन पहाड़ी पर ही रुक गए कुछ फोटोग्राफ्स लेने के लिए। कुछ देर बाद जब उन्होंने नेथन को आवाज़ लगाई, वो ना जाने कहाँ गायब हो गया था। ठीक उनकी पीठ पीछे से पता नहीं कहाँ चला गया था और वो तब से उसे ढूंढ रहे हैं। उसे गायब हुए काफ़ी काफ़ी वक्त बीत चुका था। हमने अपनी टीम को वहाँ उन्हें ढूंढने के लिए भेज दिया। तकरीबन 3 दिनों तक उनकी तलाश होती रही पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कुछ दिनों बाद कुछ लोग हमारे ऑफिस के आसपास आए हमसे पूछताछ करने के लिए। कुछ खास नहीं, वो बहुत आम से लोग लग रहे थे पर यहाँ के नहीं लग रहे थे। उन्होंने हमसे पूछा, क्या आपने किसी लड़के को देखा है? उसका कद तकरीबन 6 फुट रहा होगा और उसका चेहरा वो बहुत गोरा है और उसकी आंखों का रंग हल्का नीला है। वो घर से भाग गया है। कितना वक्त हुआ उसे? काफ़ी वक्त हो चुका है, तकरीबन 1 हफ्ते। क्या आप हमें उनका नाम बता सकती हैं? ओह हाँ, उसका नाम है विलियम हैरिस। ये नाम सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने उन्हें पूरी बात शुरू से लेकर आखिर तक बताई और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि विलियम हैरिस दरअसल एक साइको है। वो अपने घर से भागता रहता है और इस बार भी वो घर से भाग गया था। साथ ही साथ उसने घर से कुछ पैसे भी चुराए और उसके बाद वो घर से भाग गया और तब से वो उन्हें नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वो अक्सर अपने काल्पनिक दोस्त से बातें करता रहता है, जिसके बारे में डॉक्टर्स ने उन्हें बताया था जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। ये बात मेरे लिए अपने आप में बहुत अनोखी थी। वहाँ की स्थानीय पुलिस ने कुछ ही दिनों में उसे ढूंढ निकाला और उसके बाद शायद वो अपने घर वापस चला गया होगा, पर ये मेरे लिए बहुत ही अनोखी कहानी थी। ऐसी न जाने ही कितनी कहानियाँ हैं मेरे पास आप सभी को सुनाने के लिए, पर फिलहाल मैं आपको मेरी आखिरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। द स्टोरी ऑफ बर्न वाउंड्स। ये कहानी भी मेरे लिए बहुत ही अनोखी है। उस वक्त हम सभी अपने कैबिन में बैठे हुए अपना अपना काम निपटा रहे थे, तभी हम सब के पास एक कॉल आती है। कॉल पर किसी इंसान की आवाज़ थी, वो काफ़ी हड़बड़ाया हुआ था। उसने कहा, हेलो, मेरी वाइफ यहाँ फॉरेस्ट में कहीं घूम गई है। पिछले 8 घंटों से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ पर वो मुझे कहीं मिल नहीं रही है।
क्या आप उसे ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं? हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं अपनी टीम के साथ अभी 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 उन्हें ढूंढने के लिए निकलता हूँ। क्या आप बताएंगे कि आखिरी बार आपने उन्हें कहाँ देखा था? उन्होंने अपने सारे कोऑर्डिनेट्स हमें बता दिए और उस हिसाब से हम उन्हें जंगल में ढूंढने के लिए पहुँच गए। तकरीबन 5 या 6 घंटे ढूंढने के बाद वो हमें मिल गई। उनकी वाइफ, वो बहुत घबराई हुई थी। वो एक पुराने पेड़ के कोटर में छुप के बैठी हुई थी। पेड़ बहुत विशाल काय था, शायद हमारे जंगल का वो सबसे बड़ा पेड़ रहा होगा। वो उसके जड़ के नीचे बने हुए कोटर में छुपी हुई थी। जब हमने उन्हें बाहर निकाला, वो बहुत घबराई हुई थी और कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं थी। हम उन्हें अपने साथ लेकर जंगल से बाहर चलने लगे। तब मैंने उनसे आराम से पूछने की कोशिश की, हेलो मिस, क्या हुआ, आप इतनी इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? मैंने एक अजीब सा जीव देखा था। वो मेरे पीछे पीछे पड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड कैंप के लिए कुछ लकड़ियाँ लेने गए थे और मैं वहाँ अकेली थी। वो मुझे घूर घूर कर देख रहा था। वो बहुत अजीब था, मैंने वैसा आज तक कभी कुछ नहीं देखा। उसके उसके शरीर से आग निकल रही थी और वो मुझे चलाने वाला था। उसने मुझे मार दिया होता। इट्स ओके मिस, अब सब कुछ ठीक है, आराम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिसर। मैंने एक बार उन्हें गौर से देखा। उनके उनके शरीर पर सच में कुछ जलने के और कुछ चोट के निशान थे। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी, पर जल्दी ही हमने उन्हें उनके घर पहुंचा दिया। उम्मीद है कि उसके बाद वो बिल्कुल ठीक रही होंगी, पर उनकी कहानी मेरे लिए बहुत अजीब थी और डरावनी भी। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ही में से किसी ने मुझे एक स्टोरी जिन के ऊपर लाने की सजेशन दी है, तो मेरी अगली कहानी होने वाली है जिन के ऊपर। तो आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।